पुलिस द्वारा नकली नोट बनाने की एक लैब टाइप की पकड़ी गई है, जो मदरसा नाम है इसका, मदरसा जामिया हबीबिया 140 अतरसुईया। ये जनपद का गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है। इसका पिछले वर्ष हमने सर्वे किया था और जनपद प्रयागराज में 72 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। उस मदरसे में ये एक मदरसा था जो गैर मान्यता प्राप्त था। हमारे अल्पसंख्यक विभाग से इस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है, ना हम कोई फाइनेंस देते हैं इसको, इसलिए इसकी मान्यता को निरस्त करने का कोई सवाल नहीं उठता। इसके अतिरिक्त इसका रजिस्ट्रेशन सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड ट्रस्ट एंड फंड्स को था, जिनके समाप्त करने के लिए हमने दिनांक 29 अगस्त 2024 को एक लेटर भेजा है कि इनकी जो सोसाइटी जो चलाती है उसको निरस्त कर दिया जाए और ये भविष्य में किसी प्रकार की इनको कोई सोसाइटी का द्वारा संचालन न कर सके मदरसा। ये मदरसा जो गैर गतिविधि में पाया गया है, इसके खिलाफ अन्य कोई कार्रवाई हमारे विभाग से अन्य तो बनती नहीं है। बाकी पुलिस द्वारा अपनी पूरी कार्रवाई कर ली गई है, केवल रजिस्ट्रेशन ख़त्म किए जाने की हमने इनकी कार्रवाई कर दी है, जो सोसाइटी के रजिस्ट्रार साहब को पत्र हमने भेजा है। क्या रिकमेंडेशन की गई है आपकी तरफ से चिटफंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार को? चिटफंड सोसाइटी के सहायक रजिस्ट्रार को हमने इस बात से अवगत कराया है कि दिनांक 28 अगस्त 2024 को पुलिस द्वारा एक नकली नोट छापते हुए पकड़ा गया है और नकली नोट छापना देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। और कोई मदरसा, कोई भी संस्थान जो होता है, अगर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही सब चीज़ हमने इंडिकेट करते हुए, उल्लिखित करते हुए सोसाइटी को समाप्त किए जाने हेतु उनसे नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु आग्रह किया है।